हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से निर्मित न्यू केमिस्ट्री क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम मैथ पढ़ाने वाले हैं और मैथ में आपको लिमिट्स एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाने वाले हैं, जिसको हिंदी से बोलते हैं सीमा तथा अवकलज। सीमा और अवकलज में सबसे पहले हम लिमिट टॉपिक को पढ़ाएंगे और लिमिट को हम कैसे करते हैं इसका हम इजी से इजी तरीका आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें कोई चीज़ अगर करना होता तो उसका बेस तैयार होना चाहिए और बेस के बिना सब कुछ बेकार है, जिसमें से बेस इसका मैथ में फार्मूला बोला जाता है। फार्मूले में सबसे पहला नंबर फार्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन। यदि इसका फॉर्म बनता है लिमिट में, देन वी कैन पुट देयर वैल्यू वन। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन। यदि यही फॉर्म कॉस में होता है तो कॉस में अपॉन में एक्स नहीं होता, ध्यान रखने वाली बात है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स इज इक्वल टू वन होता है, देन तीसरा मैंने यहाँ लिखना चाहिए, मैंने उल्टा कर दिया है, तो कोई बात नहीं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी वन होता है, इसका भी फॉर्म बने तो वन रखिएगा। यदि लिमिट के सवाल में इस तरीके का लिमिट क्वेश्चन बने तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और या फिर हम सॉल्व भी करवा सकते हैं, दोनों मेथड है मेरे पास में, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस सूत्र को तैयार करोगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा n a की पावर n माइनस वन। फिर इसके बाद e की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल थ्योरम होती है, चर घातांक की थ्योरम पहले चलती थी, हटा दी गई कोर्स से, उससे ये फार्मूला डेराइव हुआ e की पावर x इज इक्वल टू वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। ये मतलब डैश डैश का मतलब हुआ ये बनता रहेगा। जब हम e की पावर माइनस x की बात करेंगे तो यहां पर अल्टरनेट प्लस माइनस का क्रम चलता है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। आप देख सकते हैं इस फार्मूले और इस फार्मूले में कुछ अंतर नहीं है, प्लस और माइनस का अंतर है। यहां पर प्लस तो यहां पर माइनस, यहां पर प्लस तो यहां पर, इस तरह के प्लस माइनस चलता रहेगा। अब बारी आती है a की पावर x, कभी कभी दो की पावर x लिख के आ जाता है, तीन की पावर x लिख के आ जाता है, तब वो सवाल को इस सूत्र से लगाते हैं। तो a की पावर x होता है 1 प्लस x log, बेस में ही छिपा होता है, लिखो चाहे ना लिखो, लिख दे तो ठीक है, ना लिखे तो ठीक है, समझ जाइएगा। 1 प्लस x log a बेस c प्लस x log a बेस c का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। फिर हम log 1 प्लस x की बात करते हैं तो log 1 प्लस x का अगर रूप बनता है तो आप सूत्र लगाओगे x माइनस, यहाँ फैक्टोरियल का कोई झामताम नहीं, नॉर्मल सूत्र होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर प्लस डैश डैश डैश। फिर हम आते हैं लॉग वन माइनस एक्स में, तो ये जितने साइन थे, अब यहां पे देखिए यहां पे प्लस और माइनस का अल्टरनेट था, माइनस वाले में कहता नहीं कोई बात नहीं आप सीधा माइनस कर दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर डैश डैश डैश। साइन एक्स का भी फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। एंड कॉस एक्स का होता है वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर सारी सम संख्याएं होती हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल राइट, एक्स की पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल। देखिए यहां पे पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अब यहां फोर के बाद क्या आ सकता है, यहां पर क्या आ सकता है फोर के बाद में बताइए, एक्स की पावर सिक्स अपॉन सिक्स फैक्टोरियल, फिर प्लस एक्स की पावर एट अपॉन एट फैक्टोरियल डैश डैश डैश। वन प्लस एक्स की पावर एन का अगर रूप बनता है तो आप लगाओगे वन प्लस एन एक्स, ये जो एन है इसके मल्टीप्लाई में आता है वन प्लस एन एक्स। और आपने फैक्टोरियल कभी पढ़ा होगा क्रमचय और संचय, क्रमचय और संचय में आपको बताया गया होगा कि एन के बाद में जो दूसरी डिजिट होती है वो एन माइनस वन होती है, उसके बाद में तीसरी डिजिट वन माइनस टू होती है। जस्ट लाइक यहां पर भी इसका विस्तार किया गया तो एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 ऐसे बनता चला जाएगा। तो इन सूत्रों को आप तैयार कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको सीधा अब चैप्टर पर मिलता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री एक्स प्लस थ्री। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है लेकिन है भी छोटा। क्या करना है, एक्स की वैल्यू तीन है, ठीक। अब इस वैल्यू तीन वैल्यू को क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे, और कभी कभी होता है कि हम लोग इसको ऐसे एच की वैल्यू बनाते हैं, जीरो बनाते हैं, लिमिट यहाँ पे जीरो बनानी होती है। तो इस तरीके से भी कुछ लोग बता देते हैं एक्स टेंस टू थ्री प्लस एच एज एच टेंस टू जीरो, कुल मिला के यहाँ जीरो लिमिट बनानी होती है, ताकि सवाल जब एच की वैल्यू रखें तो सवाल छोटा हो जाए और आंसर जल्दी से आ जाए। अगर डायरेक्ट, अभी तो यहाँ छोटा है तो डायरेक्ट भी रख सकते हो, तीन प्लस तीन इज इक्वल टू सिक्स आंसर आ गया, लेकिन आगे चल के जब बड़े सवाल मिलेंगे तब आपको समस्या क्रिएट होगी कि अरे अब बताओ हम डायरेक्ट तो रख नहीं सकते। तो उस सिचुएशन में आप यही लिखोगे x टेंस टू थ्री प्लस एच एज एच टेंस टू जीरो। मतलब क्या हुआ कि ये x की जगह अब हम तीन प्लस एच लिखने वाले हैं और यहाँ लिमिट x नहीं लिखेंगे, यहाँ h टेंस टू जीरो। जब h की वैल्यू जीरो रख दोगे तो तीन तो फिर से बन जाएगा ना, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अब इस लिमिट को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट
एच टेंस टू जीरो, अब एक्स के प्लेस में आपको लिखना है थ्री प्लस एच प्लस थ्री, कोई प्रॉब्लम है बताओ, दिक्कत हो बता सकते हो। अब यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट एच एच टेंस टू जीरो, एच की लिमिट जीरो लेने पर, क्या लेने पर, जीरो लेने पर, जहाँ एच दिख रहा है वहाँ जीरो रख दीजिए। देखिए थ्री प्लस जीरो प्लस थ्री, तो इसका आंसर कितना आ गया, सिक्स। नहीं समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन हम किताब से नोट करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू कितना है पाई, एक्स टेंस टू पाई एंड एक्स माइनस 22 बाई 7, राइट। फिर वही पुराना प्रोसेस, एक्स टेंस टू पाई प्लस एच एज एस टेंस टू जीरो, तो यहाँ लिमिट एस टेंस टू जीरो, जहाँ एक्स है तो वहाँ पाई प्लस एच माइनस 22 बाई 7। आप स्टूडेंट्स जानते हैं अच्छी तरीके से कि यहाँ जीरो रखेंगे और पाई का मान भी 22 बटे 7 होता है, पता होगा आपको, और 22 बटे 7 में अब अगर 22 बटे 7 माइनस करोगे तो क्या आंसर क्या आएगा, कोई प्रॉब्लम, नोट कर लें इसको जल्दी से। देखिए स्टूडेंट्स, इस लास्ट वाले क्वेश्चन में आंसर में पाई माइनस 22 बटे 7 भी देखने को मिल सकता है, तो घबराइएगा नहीं इसमें, क्योंकि पाई का मान 22 बटे 7 होता है, तो 22 बटे 7 में 22 बटे 7 माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, लिमिट आर टेंस टू 1 पाई आर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करने के लिए या तो हम 1 प्लस एच का यूज कर दें या फिर डायरेक्ट वैल्यू रख दें, तो हमें लगता है ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट रख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग लिमिट, क्या लिखोगे, टेकिंग लिमिट एज आर टेंस टू 1, रखिएगा इस पे वैल्यू, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर हो क्यूब हो कितना भी हो 1 ही होता है, तो आंसर कितना आ गया पाई। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, चौथे में कह रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 4 फोर एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। आप 4 प्लस एच वाले से भी कर सकते हो और या फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, तो आप अगर 4 प्लस एच से करोगे तो क्या लिखोगे, एक्स टेंस टू 4 प्लस एच 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 टेंस टू 0। जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो बेटा क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंस टू 0 4 इंटू एक्स के प्लेस में 4 प्लस एच प्लस 3 अपॉन एक्स के प्लेस में 4 प्लस एच माइनस 2, कोई प्रॉब्लम, बस एक्स की जगह 4 प्लस एच रख दिया है और कुछ नहीं किया, क्यों भाई अल्लामा, इधर देखिए 4 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा, 4 4 जा 16, 4 इंटू एच क्या होगा 4h प्लस का 3 अपॉन 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 प्लस एच, अब बेटा टेकिंग लिमिट एज एच टेंस टू 0 लिख दीजिए, तुरंत आंसर आएगा, तो क्या लिखोगे, टेकिंग लिमिट एज एच टेंस टू 0। इस क्वेश्चन देखिए यहाँ 0 यहाँ 0, तो यहाँ पे 16 और 3 कितना आता है 19 और बटे में 2 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 19/2, नोट करें जल्दी से। देखिए भाई लिमिट एक्स टेंस टू माइनस 1 दिया गया है पांचवें क्वेश्चन में, और पांचवें क्वेश्चन को अगर हम देखें तो या तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख दें या फिर वही तरीका लगाएं, माइनस 1 एक्स टेंस टू माइनस 1 प्लस एच 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 टेंस टू 0, तो वैसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो, तो उसमें करोगे थोड़ा सा विस्तार हो जाएगा, तो यहाँ हम टेकिंग लिमिट डायरेक्ट रख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे टेकिंग, क्या लिखोगे, टेकिंग लिमिट एज एक्स टेंस टू माइनस 1, इस पूरे इक्वेशन में माइनस 1 रखिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा बोलो, माइनस 1 की पावर 10 प्लस माइनस 1 की पावर 5 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1। जब माइनस 1 की पावर कोई सम संख्या होती है, इवन ऑड आपने पढ़ा होगा, तो ये 10 जो है कैसी संख्या है, सम, तो माइनस 1 की पावर 10 की वैल्यू प्लस 1 आएगी, ठीक। इसके बाद में विषम संख्या है तो वो माइनस 1 आएगी, फिर क्या लिखेंगे, प्लस 1। नीचे ध्यान से देखिए आप, माइनस 1 और माइनस 1 क्या हो गया, माइनस 2। क्या हम प्लस और माइनस काट नहीं सकते, काट सकते हैं, यहाँ चिन्ह माइनस का है तो ऊपर भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसका आंसर आ गया माइनस का 1/2, ये हो गया इसका आंसर, कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत हो तो बता सकते हो। अब इस सवाल में देखिए जरा, एक्स टेंस टू 0 दिया गया है, आप सीधा टेकिंग लिमिट लगाइए, और टेकिंग लिमिट जब लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 0 प्लस 1, आप चाहो तो इसमें इसका विस्तार भी कर सकते हो, क्या करोगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स यहाँ से कॉमन लोगे तो ऊपर है 5, तो एक्स की पावर 5 आएगा, और यहाँ पे मालूम क्या बनेगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, एक्स से एक्स की पावर 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स की पावर 4। अब आप स्टूडेंट्स देखिए ये सूत्र बन रहा है 1 प्लस एक्स की पावर एन, और जरा लास्ट वाला सूत्र देख के बताइए क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स, तो 5 अपॉन एक्स है,
फिर यन एन माइनस वन, तो फाइव इंटू फाइव माइनस वन करोगे तो फोर, इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा टू फैक्टोरियल डेट डेट डैश, और आगे क्या लगा हुआ है माइनस वन, क्या लगा हुआ है माइनस वन, और देखो नीचे वाला एक्स कट चुका है। अब हमको करना क्या है, अब ये प्लस वन और माइनस वन को काट लेना है। काटने के बाद में हम इसका विस्तार अंदर करते चले जाएंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में एक्स की पावर फोर आ रहा है, तो पहला वाला काटेंगे तो क्यूब आएगा, तो पहला जीरो हो गया। फिर दूसरा वाला काटेंगे तो फाइव इंटू फोर इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स की पावर फोर से काटेंगे तो क्या बनने वाला है एक्स स्क्वायर नीचे बचेगा, तो मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, ये भी क्या होने वाला है जीरो। फिर तीसरा वाला आएगा तो वो बनेगा फाइव एन एन माइनस वन एन माइनस टू, तो फाइव फोर थ्री, फिर क्या बनेगा वन अपॉन एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल बनेगा। फिर चौथा वाला जब आएगा तो फाइव फोर थ्री टू, वन अपॉन एक्स की पावर फोर अपॉन कितने फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल, जब चौथे की बारी आएगी तो ये फोर एक्स की पावर फोर से एक्स की पावर फोर कट जाएगा। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो चार फैक्टोरियल का मतलब होता है चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक होता है, क्या चार तीन दो इससे कट नहीं सकता, तो आंसर कितना आने वाला है फाइव। देखिए क्या आ रहा है आंसर, देखिए सातवें क्वेश्चन को, लिमिट एक्स टेंस टू टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टेन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो इस क्वेश्चन को ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है द्विघात समीकरण, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम एक्सप्लेन या एक्सप्लेनेशन करेंगे, और नियम ये होता है कि जब द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है तो फर्स्ट स्क्वायर वाला लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कराया जाता है, और जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ साइन ध्यान देते हैं कि प्लस है कि माइनस। यदि यहाँ माइनस होता है तो जो मल्टीप्लाई करने वाला होता है तो बीच वाली संख्या को माइनस करने में आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दस गुणे तीन करेंगे तो कितना आएगा तीस, तो यहाँ पर हम जब लिखेंगे तो तीस को अगर घटाने पर लाना है तो कैसे बनेगा, छः पंचे तीस, तो बताओ हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर, और इसको इस माइनस एक्स को लिख सकते हैं सिक्स एक्स प्लस फाइव एक्स आ जाएगा, माइनस का टेन नीचे एक्स स्क्वायर, इस फोर को क्या हम टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, वो मालूम है क्या मिल रहा है कॉमन, थ्री एक्स मिल रहा है। जब थ्री एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ केवल और केवल एक्स बचेगा, 3x का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 2 बचेगा, इन दोनों से 5 कॉमन लेंगे तो 5 5x से यहाँ पे 5 टू जो 10 अपॉन, सूत्र आपको याद होगा, आपको सर ने पढ़ाया होगा मैथ वाले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ बनेगा लिमिट x टेंस टू 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस टू, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3x प्लस फाइव अपॉन x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, सेम डिजिट आपस में कट जाएंगी। अब हम यहाँ भाषा वही पुरानी वाली घिसी पिटी क्या लिखेंगे, टेकिंग लिमिट एज x टेंस टू कितना है भैया दो, तो इसमें जहाँ जहाँ x दिखाई पड़े वहाँ दो रखो, भैया 3x है तीन गुणे दो प्लस फाइव, नीचे क्या है एक्स प्लस टू टू प्लस टू, तीन दुनिया छः छः और पाँच ग्यारह ग्यारह बटे चार आंसर आ रहा होगा, मिला लीजिए एनसीईआरटी है, मिलाते चलिए सब लोग। आप देखिए आठवां क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, एनसीईआरटी है ये, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री एक्स की पावर फोर माइनस ये है 81 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 3, इसको विस्तार करना है, एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन इसका करना है। अब कैसे करेंगे, x की पावर 4 है ना, अच्छा ये बताओ x की पावर 4 को अगर हम लिख दें एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन सकता है, फिर 81 को अगर 9 का स्क्वायर लिख दें 9 का स्क्वायर, फिर नीचे देखो तीन दूनी छः थ्री टू जा सिक्स ऐसा बनाओ कि घटाने में फाइव आ जाए, तो यहाँ पे क्या करें बताओ बनेगा क्या बनेगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री, बहुत लोग ऐसी गलती लिख सकते हैं तीन एक्स प्लस दो एक्स का उपाय से जुड़ने लगे, जुड़ना नहीं है साइन बताता है घटाना ही है, तो सिक्स एक्स प्लस एक्स। अब देखिए जरा ध्यान से,
आपको एक सूत्र पढ़ाया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद होगा आपको, एक ब्रैकेट हुआ में ए प्लस बी, तो ए की जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस नाइन, एक ब्रैकेट हुआ में ए माइनस बी तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, दोनों से टू एक्स कामन लेना है, यहाँ पर ओनली एक्स बनेगा, टू थ्री जा सिक्स ओनली थ्री बनेगा, इन दोनों में कुछ भी कामन नहीं है, जब कुछ कामन नहीं होता तो हम अपने मन से प्लस का वन कामन ले लेते हैं और मालूम है क्या बचेगा एक्स माइनस थ्री। अभी इसका और विस्तार हो सकता है, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री एक ब्रैकेट हुआ में आएगा क्यों भैया का लफड़ा होगा, अच्छा ये थ्री आए एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, इसको ये जो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन दिख रहा है इसको क्या हम एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर नहीं लिख सकते क्योंकि थ्री का स्क्वायर नाइन होता है। नीचे देखो एक ब्रैकेट में एक्स माइनस थ्री और एक ब्रैकेट में टू एक्स प्लस वन, इस साइड करते हैं इस तरफ करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, फिर से सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही सूत्र पुराना वाला ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन, और एक्स माइनस थ्री को एक्स माइनस थ्री से आराम से काटिए, कट गया। अब आराम से आप वही पुराना फिर से बोल रहे हैं टेकिंग लिमिट एज एक्स टेंस टू थ्री, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ थ्री रखिए, एक्स स्क्वायर थ्री का स्क्वायर प्लस नाइन, फिर एक्स प्लस थ्री थ्री प्लस थ्री, फिर इसके बाद में टू एक्स प्लस वन टू इंटू थ्री प्लस वन, थ्री का स्क्वायर कितना होगा नौ, नौ नौ अठारह, तीन तीन छः, तीन दो नहीं छः, छः और एक सात, अठारह छंका एक सौ, पढ़ा नहीं आता हमको मैथ पढ़ा रहा हूँ, एक सौ आठ बटे सात, मिलाइए आंसर, मिलाओ जल्दी से, थ्री का वर्ग आ रहा है, चलिए नोट करिए सब लोग। देखिए नाइन नंबर क्वेश्चन को, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस वन, ईजी है क्वेश्चन, ये ईजी का है, बोल दिया भाई देखते ही, क्योंकि यहाँ पे जीरो है रखो यहाँ पे जीरो जीरो टेकिंग लिमिट, और जीरो जब रखोगे आप ही हमको देख के बताएं, जब आप जैसे ही यहाँ पे जीरो रखेंगे तो यहाँ ए गुणे जीरो प्लस बी सी गुणे जीरो प्लस वन, तो ये तो जीरो तो ऊपर क्या बचा बी और नीचे बचा वन, तो आंसर क्या आ गया बी। दस नंबर को देख लो, लिमिट क्या दिया गया भाई जेड टेंस टू वन जेड की पावर वन बाई थ्री माइनस वन जेड की पावर वन बाई सिक्स माइनस वन। देखो अब ये वाला सवाल जो हुआ है जेड टेंस टू वन, अब ये मैं लिखा पड़ी आपका वही पुरानी भाषा जो हमने बताया जेड टेंस टू वन प्लस एच एज एच टेंस टू जीरो, तो यहाँ आप क्या लिखोगे लिमिट एच टेंस टू जीरो जेड की जगह वन प्लस एच की पावर वन बाई थ्री वन प्लस एच की पावर वन बाई सिक्स माइनस वन। बच्चा इस सूत्र को लगाएंगे वन प्लस एक्स की पावर एन से, और वन प्लस एक्स की पावर एन होता है क्या होता है वन प्लस एक्स की पावर एन होता है वन प्लस एन एक्स, जो पावर वाले देख रहे हो ना एक बटे तीन एन और फिर एक्स, एक्स तो वैसे भी नीचे है क्यों नीचे क्या है एच है वन प्लस एन एक्स, तो एक बटे तीन इंटू एच, अब सही है, फिर एन एन माइनस वन तो एक बटे तीन माइनस वन, फिर एक्स स्क्वायर तो एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश, और आगे क्या लगा देंगे माइनस वन, देखो माइनस वन है ना यहाँ माइनस वन लगा दिया है, बट्टे में आ जाओ भाई, फिर वन प्लस एच की पावर सिक्स तो क्या लिखोगे वन प्लस एन एक्स तो वन बाई सिक्स एच एन एन माइनस वन तो वन बाई सिक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल डैट डैट डैश, थोड़ा सा जगह दस नंबर को सॉल्व ऐसे करते हैं और आगे क्या लगाते हैं माइनस वन। गौर से देखें ये प्लस वन और माइनस वन क्या हुआ, प्लस वन माइनस वन क्या हुआ, ऊपर से अगर देखा जाए तो एच बटे तीन कामन है तो यहाँ बचेगा वन, एच बटे तीन कामन लोगे तो बचेगा एक बटे तीन माइनस वन, यहाँ पे एच स्क्वायर रहा तो केवल एच बटे दो फैक्टोर डैट डैस डैस, नीचे से देखा जाए तो एच बटे सिक्स कामन है नहीं है तो इन पर कहाँ बची वन, और एच इन से कामन आ गया तो इन पर बचा ब्रैकेट वामा वन माइनस सिक्स माइनस वन, इन पर एच बाहर आ गया तो एच और बट्टे में सिक्स से कामन ले चुके हो ना तो बट्टे में कितने फैक्टोरियल दो फैक्टोर डैट डैट डैस, देखो ये एच से एच क्या हुआ। अब टेकिंग लिमिट जब लगाई जाएगी टेकिंग लिमिट एज एस टू जीरो तो ये पूरा पोर्शन जीरो,
ये पूरा पोर्शन जीरो, तो यहाँ पर केवल वन वन बचेगा, तो यहाँ आंसर में आ रहा है वन बाई थ्री और वन बाई सिक्स। और स्टूडेंट्स आप अच्छी तरीके जानते हो वन बाई थ्री, वन बाई सिक्स, सिक्स जाएगा ऊपर, सिक्स बाई थ्री और थ्री टू जा सिक्स, तो आंसर आएगा टू। आप अपनी उत्तर माला में मिला के देख सकते हैं आंसर टू आ रहा होगा। चलिए